आज मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह मोटो A10G मोबाइल में स्पीड डायल किस तरह सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कॉन्टेक्ट्स ओपन करना है, फिर यहाँ पर आपको ऑप्शंस में जाना है, उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है ये बटन दबाकर, और नीचे जाना है कॉन्टेक्ट सेटिंग्स, इसे ओपन करना है। यहाँ पर आपको दूसरे नंबर पे दिखाई देगा स्पीड डायल, स्पीड डायल आपको ओपन करना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि स्टेटस ऑन है या ऑफ है, पहले आपको इसे ऑन करना है। तो मैं इसे ओके करता हूँ और ऑन कर देता हूँ। अगर आप स्पीड डायल ऑन नहीं करेंगे पहले, तो आप स्पीड डायल में नंबर सेट नहीं कर पाएंगे, स्पीड डायल का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो मैंने ऑन कर दिया स्टेटस, और अब मैं जो है नंबर सेट करूँगा। तो नीचे आता हूँ इस बटन से, सेट नंबर्स ओके करता हूँ। आप यहाँ पर नंबर सेट कर सकते हैं, जैसे मुझे 1 MT है, 2 BMT है, 3 B, 4 B, 5 B, 6 B, 5 नहीं है यहाँ पर, 5 पे नहीं कर सकते हम, 6, 7, 8, 9। मैं यहाँ पर एक नंबर सेट करता हूँ स्पीड डायल के लिए, तो 1 पर आकर एडिट करता हूँ, और यहाँ से आपको जो कांटेक्ट रखना है 1 नंबर के लिए आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैं अजय इसी नंबर को सिलेक्ट कर देता हूँ ओके करके, तो मैंने 1 पे अजय सिलेक्ट कर दिया स्पीच डायल में। उसी तरह मैं जो है अब 4 पर आकर एडिट पर बटन दबाता हूँ, और यहाँ से नीचे आता हूँ, यहाँ से मैं अब कांटेक्ट सिलेक्ट करूँगा अक्षय ओके। तो मैंने 1 पर और 4 पर सेट किया है स्पीड डायल के लिए। अब बैक आ जाता हूँ। अब जो है आपको सिर्फ नंबर दबाकर रखना पड़ेगा और कॉल लग जाएगा। जैसे मैं 1 नंबर दबाकर रखता हूँ, तो आप देख सकते हैं कॉल चला। तो इस तरह आप स्पीड डायल का यूज़ कर सकते हैं।